नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आर आर बी एन टी पी सी जीके जीएस का मॉडल पेपर नंबर 42। आज हम बात करेंगे 42। इसके पहले मैं आपको 41 मॉडल पेपर बता चुका हूं। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ऊपर यहां पर आई बटन पर क्लिक करके, यहां पर आपका आई बटन मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, वहां पर जाके आप हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा 42 नंबर का वीडियो शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस का, जिसके अंतर्गत मैं आपको 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स अपना अपना आरआरबी जोन का नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए डेली की तरह। और आखिरी में ये जरूर बताइएगा कि 40 में से आपके कितने प्रश्न सही निकले। 40 में से जितने भी मार्क्स आए आपको, 20, 25, 30, 35 जितने भी मार्क्स आए हो ये जरूर लिखेगा, जिससे कि हमको कट ऑफ निकालने में हमको ये पता पड़ जाएगा कि किस जोन में कैसा कॉम्पिटिशन चल रहा है, कितने स्टूडेंट को कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहेगा। ये वही प्रश्न है दोस्तों जो 2018 की ग्रुप डी एलपी आरपीएफ और 2015 की एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए, इसलिए आप एक भी प्रश्न मिस मत कीजिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है लोलक का आवर्तकाल। देखिए लोलक का आवर्तकाल किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है, टाइम पीरियड जो होता है लोलक का वह किस पर डिपेंड करता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, जल्दी से आप भी कमेंट बॉक्स में गेस कीजिए मेरे साथ साथ, इसका सही उत्तर होगा मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। जो लोलक का आवर्तकाल जो टाइम पीरियड होता है वो किस पर निर्भर करता है, लोलक की लंबाई पर, लेंथ पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है गगन नारंग किस रूप में प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि गगन नारंग का संबंध किस खेल से है। तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एयर राइफल शूटर। किस खेल से संबंधित है गगन नारंग, एयर राइफल शूटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बैटन कप किस खेल से संबंधित। आपको बताना कि बैटन कप का संबंध किस खेल से। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। किस खेल से संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है बैटन कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आईसीसी द्वारा निम्न में से किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया। आपको बताना है कि इनमें से किस क्रिकेटर को आईसीसी द्वारा 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव। किसको घोषित किया गया है, कपिल देव को घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स एक लाइक फटाफट ठोक दीजिए, और फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं इन तीनों सोशल नेटवर्क पे, उनमें जल्दी से हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो स्टूडेंट नया है मैं उनसे फिर से कहना चाहता हूँ कि भाई जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, तभी तो आपको डेली नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा शनि ग्रह। आपको बताना है कि शनि ग्रह क्या है। इनमें से यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे। देखिए पहला ऑप्शन है प्लूटो से ठंडा नहीं, प्लूटो से ठंडा तो नहीं है क्योंकि प्लूटो से गर्म है शनि ग्रह, तो ये तो नहीं होगा। नेपच्यून से ठंडा है क्या, नहीं है नेपच्यून से ठंडा भी, नेपच्यून से गर्म, जी हाँ नेपच्यून से गर्म है ये। जुपिटर से गर्म, नहीं जुपिटर से ठंडा है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म ग्रह है। ऑप्शन के अनुसार हमको आंसर देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। आपको बताना है जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी इनमें से कौन सा शहर करेगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डरबन। क्या होगा, डरबन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है। जो घुड़सवारी खेल होता है उसके खेल परिसर को हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एरीना। किस नाम से जानते हैं, एरीना नाम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैबून। बैबून एक सबसे बड़ा बंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। आपको बताना है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु इनमें से कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम। कौन सी है, क्रोमियम धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है इस पेरिस बर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेपियर और कोलिंस। कौन है, लेपियर और कोलिंस के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हास्य गेस कौन सी है। आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। इसका सही उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस होती है उसको अपन लाफिंग गैस भी बोलते हैं और हास्य गैस भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेना दिवस। 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है, सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें मिलता है। आपको बताना कि साइट्रिक एसिड जो होता है मुख्य रूप से किसमें मिलता है। यहाँ पर मुख्य लिखा हुआ है, मुख्य रूप से किसमें मिलता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नींबू में। किसमें मिलता है, नींबू में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HTML जो HTML होता है कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। HTML का विस्तृत रूप आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
विश्व के सबसे लंबा पौधा कौन सा, आपको बताना विश्व का सबसे लंबा पौधा इनमें से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो होता है वो विश्व का सबसे लंबा पौधा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एंटीजन, प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो आपको बताना है जो एंटीजन होता है वो कैसा पदार्थ है। तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। जो एंटीजन होता है वो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी, आपको बताना कि इनमें से कौन भूमि बंधित नदी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। जो लूनी नदी होती है वो कौन सी नदी है, भूमि बंधित नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, आपको बताना है कि कुल श्रम शक्ति का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 54%। लगभग 54% भाग कृषि में लगा हुआ है कुल श्रम शक्ति का भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है। जो सार्क देश है उनमें सबसे घनी आबादी किस देश में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। किस देश में, बांग्लादेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था, आपको बताना है पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासक का परिणाम नहीं था, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भारत में एक ब्रिटिश उपनिवेशी का उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था। तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सामंतवाद का विनाश। जो भारतीय सामंतवाद का विनाश हुआ था वह किसका परिणाम नहीं था, ब्रिटिश उपनिवेश शासन का परिणाम नहीं था। बाकी ये तीनों, भारतीय कृषि का विनाश, भारतीय उद्योग का विनाश और भारतीय व्यापार का विनाश, ये तीनों इसके जो ब्रिटिश उपनिवेश शासन का परिणाम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोलकुंडा किला किस राज्य में, आपको बताना है उस राज्य का नाम बताना जहां पर गोलकुंडा किला स्थित है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगा। कहां पर स्थित है, तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आश्रु गैस टियर गैस कौन सी है इनमें से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया। अमोनिया को आश्रु गैस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जामनगर। कहाँ पर स्थित है, जामनगर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, आपको बताना भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता इनमें से कौन थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। कौन थे, राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है, आपको बताना कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 7.32 मीटर। कितनी होती है, 7.32 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ग्रीन संबंधित, आपको बताना कि इंडियन ग्रीन का संबंध किससे है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चैलेंजर ट्रॉफी से। किससे संबंधित है, चैलेंजर ट्रॉफी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी में पेनल्टी, जो पेनल्टी स्ट्रोक होता है वो कितनी दूरी से मारा जाता है। जो हॉकी खेल होता है उसमें पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 गज। कितनी दूरी से मारा जाता है, 8 गज की दूरी से मारा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का उपयोग किया जाता है, आपको उस धातु का नाम बताना जिससे विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। किससे उत्पन्न की जाती है विद्युत, यूरेनियम से उत्पन्न की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है, आपको बताना जो निकट दृष्टि दोष होता है उसकी रोग मुक्ति इनमें से किससे होती है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस द्वारा। किससे द्वारा होती है, अवतल लेंस द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, आपको उस स्तूप स्थल का नाम बताना है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांची। देखिए सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, इन तीनों का संबंध भगवान बुद्ध की जीवन से किसी घटना से रहा है, जबकि सांची के स्तूप का संबंध किसी भी घटना से नहीं रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है, आपको बताना है कि जो इंदिरा आवास योजना है उसका संबंध किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गरीब ग्रामीणों को आवास, गरीब ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराना इंदिरा आवास योजना का प्रमुख लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रिज की माप कितनी होती है, जो पॉपिंग क्रिज होती है क्रिकेट के खेल में उसकी माप कितनी होती है। इसका सही उत्तर है 4 फुट। कितनी होती है, 4 फुट की होती है पॉपिंग क्रिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटीएम का अर्थ बताइए, आपको एटीएम का फुल फॉर्म बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, आपको बताना कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ इनमें से किसने किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं ने। किसने किया था, हुमायूं ने किया था चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, आपको बताना है कि जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 से 90। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना हुई थी
1985 से 90 ईस्वी के बीच हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं, आपको बताना कि इनमें से किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की मौजूदगी के कारण शरीर के अंदर रक्त कभी नहीं जमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोल्फ से संबंधित, आपको बताना कि इनमें से कौन सा स्थान का संबंध गोल्फ खेल से है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सैंडी लॉस, सैंडी लॉस का संबंध गोल्फ खेल से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ, आपको बताना कि आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1896 ईस्वी में, कब हुआ था 1896 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, भारतीय दलहन शोध संस्था कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है भारतीय दलहन शोध संस्थान। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कानपुर, कहाँ पे स्थित है कानपुर में स्थित। दोस्तों आज मैंने आपको 4200 नंबर का आरआरबी एनटीपीसी के जीकेजीएस का मॉडल पर बताया, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताया, कितने मार्क्स आए आपको 25, 30, 35 जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अपने आरआरबी जोन का नाम भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे आपको यह पता पड़ जाएगी किस स्टूडेंट की तैयारी कैसी चल रही है और हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट किस जोन से बिलोंग करते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उसे मैं फिर से कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।